रामगढ़ के पटेल चौक के पास रांची पटना हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ब्रेक फेल हुआ है। मत बोलिए ना, एक बार बताया जाता है कि रांची की ओर से ट्रेलर आ रहा था, जो रामगढ़ के पटेल चौक से पहले पोद्दार पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर 4 से 5 कार समेत 2 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क हादसे में गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि रामगढ़ इंस्पेक्टर रोहित कुमार ने की और कहा कि गंभीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा गया है। चल रहा था डायवर्सन के, इस डायवर्सन पे, और सामने से मैंने देखा उल्टी दिशा से एक ट्रेलर जो है वह बिल्कुल अनियंत्रित रूप से काफी तीव्र गति में सामने की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, संभल पाते, उसने पहले मेरी गाड़ी को किनारे से डैश किया। मैं बिल्कुल, मेरी जान बाल बाल बच गई और मेरी गाड़ी पूरी, जैसा आप देख रहे हैं, वो नीचे सड़क के बिल्कुल नीचे उसने मेरी गाड़ी को धकेलते हुए, और मुझे कुछ हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन मैं बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। और उसके बाद आगे जा करके ट्रेलर मैंने उतर के गाड़ी से देखा कि ट्रेलर जो है सामने से पलटी हुई है और उसमें कोई एक गाड़ी भी दबी हुई। क्या अनुमान? वो तो मैं कुछ देख नहीं पाया, बस मैंने देखा कि मेरे ठीक, मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा, मेरे सामने 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और प्रशासन आई अभी उन लोगों को। 3 बाइक, 4 व्हीलर है, 2 बाइक और ट्रेलर में आपस में भिड़ंत हुई है, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 को गंभीर अवस्था में घायल है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गया। घटना के दौरान तुरंत पुलिस पहुंची है और जैसे ही कुछ लोग गाड़ी के बीच में ही फंस गए थे, जिसे क्रेन की सहायता से निकाला गया है और अभी सभी को सदर अस्पताल भेज देने के बाद जो है रोड क्लियर कर दिया गया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से क्रेन से रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। मौके पर स्थानीय और पुलिस के सहयोग से फंसी गाड़ी को निकाला जा रहा है। इस हादसे के बाद रांची पटना 4 लेन पर कई घंटे जाम की स्थिति बनी रही। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामगढ़ से अविनाश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।